मेरे पास साइड है ए, साइड है बी। उन्होंने बोला है लॉ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे मैं आपको पहले लॉ ऑफ टेंजेंट के फार्मूले लिख दूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि इस वाले क्वेश्चन में कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है भला? ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर टू ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। अब देखें, अभी आपने सिंपल इस सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे दो साइड है और यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हमें ए भी गिवन है, हमें बी भी गिवन है, यहाँ पे आके हमें गैमा भी गिवन है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। सम ऑफ एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल बाय 180 डिग्री, ठीक है। और मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब देखते जाएं बस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बाय 180 डिग्री माइनस गैमा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बाय 180 माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 44 डिग्री 29 मिनट्स। अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया वह ताकि थोड़ी सी टाइम की बचत भी हो सके। 180 माइनस 44 डिग्री 29 मिनट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास 135 डिग्री एंड 31 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए था? हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए थी। साइड की तो हमारे पास वैल्यूज पहले ही आ चुकी हुई हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहां से निकालते हैं अपना अल्फा माइनस बीटा। अब देखें, सिंपल यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट को। लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है? ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू ओवर टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। अब इसको आपने याद कैसे रखना है? अगर माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर कर दें, प्लस ऊपर है तो प्लस भी ऊपर कर दें और इनको डिवाइड कर दें टू पे। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 36.21 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 42.09 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 36.21 माइनस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है? 42.09 इक्वल। यहाँ पे आ गया हमारे पास टेंजेंट, अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैसे का वैसे ही हमारे साथ चलता जाएगा। यहाँ पे आ गया टेंजेंट, अल्फा प्लस बीटा की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 135 डिग्री एंड 31 मिनट्स को डिवाइड करना है टू पे, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा मजीद 5.88 ओवर। इसको अगर हम जी सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इधर आएगा प्लस, यहां पे आ गया प्लस। इसको हम अगर प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 78.3 इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू ओवर। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन, इन दोनों को 135 डिग्री इंटू 31 मिनट्स को डिवाइड किया टू पे, ये हमारे पास आ गया 67 डिग्री एंड 45 मिनट्स, ठीक है। अब हम पहले इसको करते हैं, अगर हमारे पास 10 की वैल्यू आ जाए 5 माइनस 88 ओवर 78.3 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर टू ओवर टेंजेंट 67 डिग्री 45 मिनट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4443, ठीक है। अभी देखें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5.88 ओवर 78.3 मल्टीप्लाई करवाना है 2.4443 इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 14.37 ओवर 78.3 इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। अब देखें, इनको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसको सोल्व करने के से पहले हम ऐसा करते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 78 माइनस 3। अब देखें, अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 28.74 ओवर 78.3 इंटू इक्वल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या आ चुका हुआ है?
हमारे पास आ चुका है टेन अल्फा माइनस बीटा को हम जरा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे आ चुका हुआ है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 0.36 आ रहा है, 0.36। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा तो आ गया माइनस 0.36। अल्फा माइनस बीटा टेन इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, फिर टेन इन्वर्स माइनस 0.36, ये हमारे पास आ गया 19 माइनस 19.79। अगर आप डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो डिग्री में बता देगा, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री में आ गया 20। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ गया है, अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास पाँच या पाँच से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम पहली वाली वैल्यू में वन ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 20। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब देखें अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो एक एंगल फाइंड आउट करना था। हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन टू का नाम देते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। अब देखें जरा यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, एडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को जमा करने से। इक्वेशन वन हमारे पास क्या पड़ी हुई है, इक्वेशन वन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड 31 मिनट्स। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी, ओवर अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, अगर हम कोस इन्वर्स लें, टेंजेंट इन्वर्स लें तो हमारे पास आ रहा है 0 माइनस 0.36, यहाँ पे आ रहा है 47 मिनट्स, 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपल, अगर हम इसको डिग्री में लिखते हैं, डिग्री में हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स। यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स। अब देखें अब हम अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री 31 मिनट्स माइनस करने हैं 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स, ये हमारे पास आ रहा है 115 डिग्री एंड 44 मिनट्स। यहाँ पे हो गया माइनस 115 डिग्री 44 मिनट्स को डिवाइड किया टू पे, इसको हम डिवाइड करते हैं टू पे तो हमारे पास आ रहा है 57 डिग्री एंड 52 मिनट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जनाब अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, गैमा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, ए बी। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया अब यहाँ से तीसरी साइड रह गई और एक एंगल रह गया। अब उस एंगल के लिए उन्होंने बोला था देन यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन, हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम ऐसा करें, अगर हम हमारे पास आया है अल्फा, अगर हम ऐसा करें कि अगर हम इक्वेशन टू में अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। चले पुट करते हैं, हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन टू। अल्फा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास 50, यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन टू में, दोबारा लिख देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल बाय माइनस 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 57 डिग्री 52 मिनट्स माइनस बीटा इक्वल बाय माइनस 90 डिग्री 47 मिनट्स। अब देखें इस वाली वैल्यू को उठा के इधर लेके जाती हैं या माइनस वाली सेंस को उधर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 52 मिनट्स प्लस 90 डिग्री 47 मिनट्स इक्वल टू बीटा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस किया 90 डिग्री एंड 47 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 डिग्री एंड 39 मिनट्स इज इक्वल बाय
बीटा, ये हमारे पास आ गई बीटा। अब उन्होंने बोला था कि हमें क्या चाहिए, लॉ को साइन, लॉ ऑफ साइन भी यूज करना है। अब हमारे पास आ क्या चुका हुआ है, हमारे पास गैमा अल्फा भी आ चुका हुआ है, बीटा भी आ चुका हुआ है और गैमा भी। अब हमें सिर्फ साइड यूज करनी है, तो हम यूज करते हैं लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन कैसे यूज करते हैं, हमारे हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए साइन अल्फा इज इक्वल बाय बी साइन बीटा इज इक्वल बाय सी साइन गैमा। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन में ए बी की वैल्यू मौजूद है हमारे पास, सी की वैल्यू नहीं है, तो हम इनका पेयर बनाते हैं। हमारे पास क्या है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल बाय सी ओवर साइन गैमा। बी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 42.09 ओवर साइन बीटा। साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 77 degrees into 39 minutes इक्वल टू सी वैसे का वैसे ही। एंड साइन गैमा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, साइन गैमा है हमारे पास 44 degrees and 29 minutes। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 42.09 मल्टीप्लाई साइन 44 degrees and 29 minutes ओवर साइन 77 degrees and 39 minutes इक्वल टू सी। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा साइन 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स। ये हमारे पास आ रहा है 0.7007 ओवर यहाँ पे साइन 77 डिग्री एंड 39 मिनट्स। ये हमारे पास आ रहा है 0.9768 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को पहले करें डिवाइड, 4209 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास 0.7007 को डिवाइड करना है आंसर। ये हमारे पास आ रहा है 0.7172 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42.09, तो ये हमारे पास आ रहा है 30 इक्वल टू सी। ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है, तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की, अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें, तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs है। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके WhatsApp पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 03234516277 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।